सोना जी 142 दिन से धरना चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। धरना इस कदर था, इस कदर पहलवानों की नाराजगी थी, उनमें दुख था, इतना रोष था कि अपने मेडल तक को बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए थे। लेकिन एकाएक आज ये कहना कि सत्याग्रह तो जारी रहेगा, हम अपने नौकरी पर वापस लौट चुके हैं, क्या ये इम्पैक्ट है सरकार के साथ बातचीत का? अब राजी, जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि खिलाड़ी एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान होता है और स्टार्टिंग से उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि औरों में खुद को खो के मैं को पाना ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं जहां तक समझती हूँ, उनको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा होगा कि जिसमें देश का भी नुकसान और ना हो और हमें न्याय भी मिले और एक बहुत अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि आप ये देखिए वो शिष्टाचार शुरू से ही अपना बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी एक सच्चा खिलाड़ी होने की स्टार्टिंग से ही अपनी वो दे दी है, एक जो मैसेज होता है। लेकिन जब लोगों को नहीं समझ में आए ना, वो कहते हैं ना कि बंद दरवाजों पे आवाज लगाया मत करो, लोग बहरे हैं कानों वाले, उन्हें अपने दिल की बात सुनाया मत करो। तो ऐसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खेल से और खिलाड़ी से किसी को लेना देना नहीं है, हर आदमी अपने में पड़ा हुआ है। आप मेरी बात सुनिए पहले, अपनी उंगली बाद में खड़ा कीजिएगा मिस्टर वकील साहब। जो बात खिलाड़ियों के लिए होती है वो सारे देश की बात है। नहीं, आप जब बोले मैंने कोई बात नहीं बोली, आप प्लीज चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप बोले, आपको इतना आप इतनी इंपेशेंट है, शेरो शायरी कर रही है। मैंने समय मांगा है शिष्टाचार, मैंने आप बोल लीजिए, आपको इतना सभ्यता नहीं है, इतना शिष्टाचार नहीं है कि कोई महिला जब बात कर रही है तो बीच में नहीं बोलते। मैंने कुछ कहना है आपको? अमिताभ जी रुक जाइए एक सेकेंड, अमिताभ जी कंप्लीट करने दीजिए, बीच में नहीं अमिताभ जी, मैंने आपको भरपूर समय दिया, आप रुकिए एक सेकेंड, आने दीजिए पहले सोना जी की बात बोलिए। सोना जी, हाँ तो मैंने क्या कहा, मैंने समय मांगा, मैंने इंटरप्ट किया, जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग आप जैसे लोगों से शुरू होनी चाहिए और पार्लियामेंट के सभी को करनी चाहिए। आप जैसे लोग मिसयूज करते हैं, आप जैसे लोग ही मिसयूज करते हैं इस पूरे प्रोविजन को। आप जैसे लोग देश के नाम पे धब्बा है और आप जो कानून को कानून के तरीके से नहीं लेते, जो कानून को अपना अपनी बखूबी समझते हैं, जो कानून को महिलाएं पीड़ित होती हैं, आपकी वजह से शक्ति के दायरे में आती हैं, आप जैसे महिलाओं की वजह से। एक सेकेंड अमिताभ जी, एक सेकेंड सोना जी, एक सेकेंड अमिताभ जी, आप यहाँ कानून के जानकार के तौर पर बैठे हैं, आप जरा समझ रहे हैं कि आप टीवी चैनल पर बैठकर क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या होता है आप जैसी महिला? एक सेकेंड अमिताभ जी, क्या होता है आप जैसी महिला? और वो क्या करिए कि आप जैसे उनको समझ नहीं आ रहा है आपको कि उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत चार्ज लगाया है? आपको यह समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मेरे ऊपर में व्यक्तिगत चार्ज लगाया है? अरे अमिताभ जी, उनको बोलने तो देते आप, उनको बोलने तो देते, ऐसा क्या बोल देंगी सोना जी, क्या बीच में आकर बोलने लग गए? दो मिनट रुक जाइए बोलिए सोना जी, जल्दी कंप्लीट करिए। मैंने उंगली उठाई सिर्फ, मैंने अपना समय मांगा और वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, वरना आपकी जबान बंद हो। सोना जी प्लीज अपनी बात को कंप्लीट करिए कि क्या समझा जाए, आज का जो घटनाक्रम हुआ है उसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? खिलाड़ियों के लिए जो सही है वो बहुत ही समझदार और बहुत दूर तक जाने वाली सोच के खिलाड़ी है, और मैं हमेशा अपने खिलाड़ियों के लिए लड़ती आई हूँ, उन्हीं के लिए लड़ रही हूँ, और मैंने हमेशा उनके लिए ही लिखा है, उनके लिए ही बोला है। मेरी सारी जितने भी कोर्स डिस्कोर्स जो भी है, सारे खिलाड़ियों के लिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, और ऐसे लोगों को एक बहुत अच्छा लेसन देने के लिए है जो ये आपके चैनल पर भी बैठते हैं, आगे ये आगे कुछ पीछे कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे ही लोग है, ऐसे ही पार्लियामेंट में बैठे हैं, ऐसे लोग यहाँ बोलने के लिए बैठे हैं, इन्हीं के लिए मैं ट्रेनिंग देती हूँ। मैं आ रही हूँ अमिताभ जी, आप काउंटर करिएगा, अब आप काउंटर कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा और आप बोल लीजिएगा।